एपिसोड नंबर 9 फैमिली इरोइका। अब इरोइका एना का सरनेम है, मतलब इस एपिसोड में हम पहली बार एना के फैमिली को देखने वाले हैं। डेट अक्टूबर 5, 2047। हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं। पहली बार एना इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख के चौंक गई थी। तख्त और कॉर्सेट भी थोड़े चौंके हुए थे, क्योंकि इतने बड़े बिल्डिंग्स आज तक वो जितने भी विलेज में रहे हैं उन विलेज में नहीं थे। एना कहती है कि न्यूयॉर्क को बहुत ही मुश्किल से प्रोटेक्ट किया गया और आज तक न्यूयॉर्क में एक भी बार डीटू ने हमला नहीं किया, और इसलिए जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थे वो सभी जिंदा और खड़े हैं। फिर तख्त कहता है कि ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क भी अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर भी म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं। फिर हम देखते हैं कि डेस्टिनी तख्त के हाथ के तरफ गौर करती है। तख्त के हाथ का निशान बहुत ही नीचे तक आ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना उसकी सिस्टर लोटे से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब एक्चुअली जबकि ये एना के पेरेंट्स है, लेकिन ये कॉर्सेट के मतलब डेस्टिनी के पेरेंट्स नहीं है। कॉर्सेट के पेरेंट्स बहुत ही सालों पहले मर चुके थे, और एक्चुअली में कॉर्सेट एना की कजिन है। फिर हम देखते हैं कि एना के पेरेंट्स कॉर्सेट को हग करते हैं और वेलकम करते हैं। तख्त भी वहाँ पे खड़ा था, और पहली बार 2-3 एपिसोड के बाद हम देखते हैं कि तख्त आखिरकार हंस रहा था। फिर हम देखते हैं एना लोटे से कॉर्सेट के बारे में कह रही थी। लोटे कह रही थी कि हाँ, लेनी ने एक अपॉइंटमेंट बुक करके रखा है डेस्टिनी के नाम पे। तब डेस्टिनी कहती है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे ठीक कर दो, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मैं डीटू को नहीं मार पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों सिम्फोनिका पहुंच जाते हैं। सिम्फोनिका हेडक्वार्टर्स में लोटे, एना, डेस्टिनी और तख्त एग्जामिनेशन रूम तक पहुंचते हैं। वहां पे जाके डेस्टिनी तख्त को कहती है, तुम अपना हाथ भी अच्छे से चेकअप करवा लेना, क्योंकि तुम्हारे हाथों का निशान बहुत ही ज्यादा भर रहा है। फिर तख्त कहता है, तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। फिर एना देखती है कि तख्त के हाथ का निशान बढ़ चुका था और उसका निशान गले तक आ चुका था। फिर एना लोटे से कहती है कि तुम अच्छे से श्योर कर लेना कि तख्त का एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए, और तख्त को वापस से ठीक करके ही लेके आना। फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में तख्त और डेस्टिनी को देखते हैं। वहाँ पे डेस्टिनी लोटे से पूछती है कि कॉर्सेट कैसी थी। सब कहते हैं कि मैं कॉर्सेट की बॉडी में रह रही हूँ, क्या कॉर्सेट को आप जानती थी? पर लोटे इसका जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में लोटे डेस्टिनी और तख्त को समझाती है कि तुम म्यूजिक आर्ट और कंडक्टर नेचुरली बने, तुम्हारा अवेकिंग नेचुरली हुआ है, और इसलिए तुम एक स्पेशल प्रोसेस के अंडर नहीं गए, और इसलिए तुम दोनों में ये खामी है। और वो उन दोनों को बहुत ही दुख से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को खा रहे हो, मतलब तख्त जिंदा रहने के लिए डेस्टिनी के पावर्स यूज़ कर रहा है, और डेस्टिनी जिंदा रहने के लिए तख्त के पावर यूज़ कर रही है। डेस्टिनी तख्त के कुछ ज़्यादा ही पावर्स यूज़ कर रही है, और अगर तख्त को कुछ हो जाए तो डेस्टिनी भी जिंदा नहीं रहेगी। तब लोटे कहती है कि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन्हें वापस से ठीक कर पाए, लेकिन लोटे ये कहती है कि अगर वो लोग फाइट करना बंद कर दे तो शायद से वो लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकेंगे। इस पे तख्त और डेस्टिनी काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और लोटे भी अपना रिसर्च कंटिन्यू करने लगती है। फिर हम एकदम नया फ्रेश मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पे तख्त अपना सॉन्ग लिख रहा था। एना जाके तख्त को जगाती है और शॉपिंग के लिए कहती है, पर तख्त मना कर देता है। लेकिन फिर डेस्टिनी के डराने पर तख्त आखिरकार हाँ बोल देता है, और हम देखते हैं कि तख्त, कॉर्सेट सब बाहर घूमने जाते हैं, और तो और डेस्टिनी तख्त को खींच के घूमने ले जाती है। फिर वो तीनों बहुत डिलीशियस और अलग अलग तरह के रेसिपी टेस्ट करते हैं। कॉर्सेट या फिर डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर हम एक मॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे डेस्टिनी अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, लेकिन आखिरकार वो आपस से अपने असली वाले ड्रेस में ही आ जाती है। वहाँ पे डेस्टिनी को इतना खुश देख तख्त भी फाइनली खुश होता है। और फिर वो दोनों साथ में मछली देख रहे थे एक्वेरियम में, तब एना लोटे को कुछ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और लोटे तख्त और डेस्टिनी को अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वो साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और तो और डेस्टिनी का मन बना रहे, इसलिए एना उसे एक पैनकेक शॉप भी दिखाती है, जहाँ पे बाद में डेस्टिनी एक पैनकेक खरीदती है। तख्त डेस्टिनी को पूछता है कि तुम कितना खाती हो, तब डेस्टिनी कहती है कि ये अलग फ्लेवर है तो ये काउंट नहीं होता। फिर वो दोनों चलते चलते एक म्यूजिशियन के ग्रेवयार्ड पे पहुँचते हैं, मतलब जहाँ पे म्यूजिशियन की समाधि हुई थी, और लोग वहाँ पे उस म्यूजिशियन को रिस्पेक्ट देने आते हैं। तख्त को ऐसा फील होता है कि लोगों के दिल में अभी तक म्यूजिशियन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि तख्त और डेस्टिनी भी उस म्यूजिशियन के रिस्पेक्ट पॉइंट पे जाके बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान से फ्लावर्स देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तख्त और डेस्टिनी एक ग्राउंड में बैठे हैं, और तख्त डेस्टिनी को समझा रहा था
कि फटाके कैसे होते हैं, क्योंकि उस रात को फटाके फूटने वाले थे। डेस्टिनी तख्त को पूछती है कि क्या तुमने अपना गाना कंप्लीट कर लिया। तख्त कहता है कि नहीं, बस कंप्लीट होने ही वाला है। तब डेस्टिनी तख्त को कहती है कि मैं तुम्हारा गाना ज़रूर सुनना चाहूँगी। फिर दोनों बातें करते हैं कि अब जबकि वो लोग लड़ाई नहीं करने वाले तो वो अपने बाकी लाइफ में क्या करेंगे। उसमें तख्त कहता है कि मैं म्यूज़िक बजाना चाहूँगा, पर जबकि म्यूज़िक बैंड है तो वो नहीं बजा पाएगा। और फाइनली बहुत सारी बातें करने के बाद दोनों फैसला लेते हैं कि वो अपना लड़ाई करना बंद नहीं करेंगे, और तो और दुनिया को बचाने के लिए और म्यूज़िक को बचाने के लिए वो अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। और दुनिया और म्यूज़िक को बचाने के लिए वो अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि कोसेट को वापस से वो फोर्क वाली म्यूज़िक सुनाई दे रही है, जिससे कि डीटू आकर्षित होते हैं। कोसेट उसे अंडरग्राउंड जाकर ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेनी फ़ोन पे था। तख्त लेनी से बात करता है। लेनी तख्त को कहता है कि तुम जल्दी से अपने फैमिली को लेके न्यूयॉर्क से निकल जाओ। तब तख्त कहता है कि तुम मुझे भागने के लिए कह रहे हो। लेनी कहता है कि मैं तुम में से किसी को वापस नहीं खोना चाहता। फिर तख्त लेनी को फोर्स करता है कि क्या हुआ उसे खुल के बताए। तब लेनी कहता है कि हम वापस से ज़रूर मिलेंगे। और ये सुन के तख्त को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तख्त को ऐसा लगता है कि लेनी अपना फाइनल गुड बाय बोल रहा था। फिर तख्त लेनी को कहता है कि मैं बाकियों की तरह ऑडियंस में बैठ के एंजॉय नहीं करना चाहता, मैं फाइट करना चाहता हूँ। फिर फाइनली लेनी तख्त को सारा सच बताने के लिए मान जाता है और उसे शाम को उसी गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 ख़त्म होता है।